सबसे पहले सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूँ। अभय दुबे जी, आप बताइए, आप खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, आप हिंदू और हिंदुत्व शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जिसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो प्रेम है, समर्पण है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। क्या कट्टर आतंकवादी संगठन जो गले काट देते हैं, जो महिलाओं की सेक्स मंडी लगाते हैं, उनसे हिंदुत्व की तुलना उचित है क्या? अभय दुबे जी। दीपक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी में समूचा भारतवर्ष जो हिंदू धर्म, हिंदुत्व या सनातन धर्म की व्याख्या करता है, मैं तीनों को व्यापक रूप से एक ही मानता हूं, मैं इसमें भेद नहीं करता। वो प्रतीक है संयम का, वो प्रतीक है सदाशयता का, वो प्रतीक है सहिष्णुता का, वो प्रतीक है सद्भाव का। भगवा आक्रोश का प्रतीक नहीं है, भगवा द्वेष का प्रतीक नहीं है, भगवा भेदभाव का प्रतीक नहीं है, भगवा हिंसा का प्रतीक नहीं है, भगवा जड़ता का नहीं बहुलता का प्रतीक है, भगवा उन्माद का नहीं उदारता का प्रतीक है, भगवा भगवा भोग का नहीं त्याग का प्रतीक है। ये सबको समग्र रूप से समझ लेना चाहिए। मगर मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं, आज पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? आप उठा कर देखिए, जब भी प्रश्न हम हिंदू धर्म और संस्कृति को महात्मा गांधी के अनुरूप एक प्रशस्त मार्ग पर जाने की बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है। आज भी सलमान खुर्शीद साहब ने वो जो पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे, उसका हिंदी तर्जुमा मैं एक क्षण में बता देता हूं। सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसका राजनीतिक संस्करण, उन्होंने कहा, जिसका विशेष रूप से जोर देकर कहा, जिसका राजनीतिक संस्करण का स्वरूप बोकोहरम आईएसआईएस जैसा विकृत हो गया है। ये उनकी व्यक्तिगत किताब का मंतव्य है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या क्यों कहा, क्यों उनके मन में ये वेदना हुई होगी? क्योंकि उन्होंने देखा कि बर्बरता से गाड़ी के नीचे कुचल कर किसानों की हत्या की जा रही है, तब उनके मन में ये ख्याल आया होगा। उनके मन में ये ख्याल आया होगा जब मां दुर्गा के भक्तों पर, जो बिहार में मां की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे, और 10-10 12-12 वर्ष के बच्चों पर सरेआम गोलियां दागकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने मार दिया, और जिन पर आरोप था उनके पिता को केंद्रीय मंत्री बना दिया, तब उनके मन में ये वेदना पीड़ा जागती होगी। जब कासगंज से लेकर उत्तर प्रदेश के मनीष गुप्ता की होटल में का दरवाजा तोड़कर हत्या कर दी जाए, जब विवेक आलोक जी मुझे ये बताइए, क्या अपराध से आप आतंकवाद की तुलना कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना? यस। अभय दुबे जी की सरपरस्ती, अभय दुबे जी मुझे बताइए, क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना? सत्ता की सरपरस्ती का आतंकवाद कहूंगा मैं इसे, जब देश के संविधान अपराध करने वाले लोग अपराध, सुनिए ना दीपक जी, उससे भी घृणित कृत्य है कि देश की संविधान की शपथ खाने वाले लोग हथियारों के गले में। मैं महात्मा गांधी को कोट करता हूं, महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो मानव की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इनके मंत्रियों ने माला पहनाई दीपक चौरसिया जी, इन लोगों ने संविधान की शपथ खाकर इनके। अभय दुबे जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे।